मुझे एक व्यक्ति कमेंट कर रहा था बड़ा प्यारा कमेंट किया उसने कहता कि भगवान भले ही मुझे अपना घर ना दे। चलेगा। भले ही बहुत अमीर ना बनाए चलेगा लेकिन मुझे स्वस्थ रखे भगवान हमेशा इससे बड़ी दौलत मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैंने अनुभव कर लिया है वो ऐसा कह रहा था कि मैंने अनुभव कर लिया है कि बीमारी में जब व्यक्ति होता है कष्ट में जब होता है उससे बड़ा नर्क कोई नहीं है उससे बड़ी वेदना कोई नहीं है योगमय जीवन यदि जीना है तो सुबह उठते ही बासी पानी पीजिए रात को तांबे का लोटा भर कर रख दीजिए मिट्टी का बर्तन भर के रख दीजिए अथवा तो समर्थ है चांदी का बर्तन भी प्रयोग में ला सकते हैं चांदी और मिट्टी ठंडी होती है कफ अस्थमा दमा ब्रोंकाइटिस साइनस वाले नाप उपयोग करें बाकी व्यक्ति मिट्टी के बर्तन का पानी और ये चांदी के बर्तन का पानी बेशक जितना मर्जी पिए बहुत सर्दी में तांबे के बर्तन का पानी बहुत उपयोगी रहेगा वैसे भी जिनकी प्रकृति सामान्य सी है उन्हें बदल बदल कर अलग अलग प्रकार का पानी लेते रहना चाहिए पानी तांबे का थोड़ा हल्का गर्म प्रकृति का होगा उसका संस्कार आ जाता है पानी का बर्तन के साथ तो वो गुण भी वैसा ही करता है इसी तरह से अपने जरूरत और अपनी बॉडी की प्रकृति शरीर की जो है उसे समझ करके ही बर्तन का चयन करें इसके बाद सुबह उठे तो पानी पीना है सारा दिन पानी बैठ कर पीजिए घूट घूंट करके पीजिए लेकिन सुबह का पानी गटक करके भी पिया जा सकता है आराम से खड़े होकर भी पिया जा सकता है एक बार दिन में कोई खड़े होकर पानी पी ले तो कोई घुटने नहीं खराब हो जाएंगे कोई घुटनों के मसल्स या वीक नहीं हो जाएंगे लगातार जब खड़े होकर पानी पीते हैं हम उससे स्पिंचर जो होते हैं अंदर जिसको आप कह सकते हैं कि खाना अंदर गया उसके बाद लॉक लग गया यहाँ का स्पिंचर होता है एक इसी तरह अंदर होता है कि एक बार खाना आगे पेट से छोटी आंत में चला गया तो फिर बैक वापस ना आए वो सब स्पिंचर यानी कि मांसपेशियों के ढक्कन जो बने होते हैं वो काम करते हैं वो कमजोर पड़ते हैं जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं और ये एक दिन में नहीं पड़ते ये लगातार जब कोई महीना दो महीना छह महीना अपनी आदत को खराब करता है रूटीन को खराब करता है खड़े होकर पानी पीता है तब उसकी वो मांसपेशियां वो स्पिंस्टर्स वीक होने लगते हैं फिर उसको एसिड रिफ्लक्स होता है यानी कि सुबह उठते ही खट्टा डकारें खट्टी तेजाब ऊपर की तरफ उछलना खाना खाने के बाद खाना बार बार मुंह में आना कई बार डॉक्टर बोल देते हैं आपको जी हो गया है। क्या हुआ है? आपके और हमारे बीच में ही है हर दूसरा चौथा आदमी आप देखेंगे इस तरह की समस्या उसको हो रही है या तो उसको खाना खाते ही प्रेशर पड़ने लगा है ये भी एक साइन है कि उसके स्पिंस्टर उसकी मांसपेशियां जो आंतों की हैं जो होल्ड करके रखती हैं खाने को आगे नहीं जाना पचने से पहले वो सब वीक हो रही हैं या फिर उसको खाना पचने से पहले ही आगे मूव करना और जल्दी-जल्दी से उसकी रैपिड मूवमेंट होना बाउल की दिन में दो-तीन बार पेट साफ हो जाता है उसी वजह से ये सारी कमियां खड़े होकर पानी पीने से आती हैं तो क्यों ना हम पहले ही बदल लें बस सुबह का पानी खड़े होकर पी सकते हैं वो भी जिनको अल्सर है जिनको निमोनिया हो जिनको टीबी हो इनको खाली पेट पानी ही नहीं पीना चाहिए मेरे मानने में और मैंने बहुत सारे अपने जो गुरुजनों से अपने प्राचीन समय से ही जो हमारे ग्रंथ चले आ रहे हैं उनसे जो मेरा अध्ययन जो मेरा एक्सपीरियंस है इन तीनों पेशेंट्स को अगर हम पानी सुबह खाली पेट दें तो इनकी समस्या बढ़ती है बाकी पानी सुबह जो आपने तांबे के बर्तन का है उसे उबाल भी सकते हैं उसी बर्तन में उबाल लीजिए पांच के गिलास में डालकर पी लीजिए बेशक मैं चाहूँगा कि आप प्लास्टिक की बोतल का उपयोग ना करें तो अच्छा प्लास्टिक की बोतल में पानी जितना रहे उतना ज़्यादा प्लास्टिक के कण माइक्रो प्लास्टिक उसको कहते हैं वो जब पानी टकराता है प्लास्टिक के साथ दिखेगा नहीं आपको लेकिन समय के साथ वो माइक्रो प्लास्टिक छोटे छोटे कण बाल की नोक से भी छोटे वो कण पानी में आ जाते हैं जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा गर्मी बढ़ी प्लास्टिक का तो एक गुण है पिघलना प्लास्टिक नरम पड़ता है धूप लगी, लगी थोड़ा गर्मी लगी उसमें पिघल गया वो सारा उसमें अर्क आ जाएगा उसका अंश आ जाएगा वो आपके अंदर इकट्ठा होता रहता है फिर उसके बाद फिर आपका रक्त दूषित होता है आपकी अंदर की पूरी संरचना जो भगवान ने बनाई है वो कहीं ना कहीं मैली होती है दूषित होती है उसे प्राकृतिक बड़ा नेचुरल बनाए रखें, सात्विक बनाए रखें ये है पानी सुबह पीने का एक ढंग एक लहजा बाकी आप ब्रश करने मंजन करने से पहले पानी पिए सुबह का कारण रात की रात को आपने मंजन कर लिया ब्रश कर लिया जो भी आप करते हैं और सो गए एकदम स्वच्छ है रात को बैक्टीरिया तो बनेंगे मुंह में लेकिन इतने नहीं बनेंगे थोड़े बहुत बनेंगे ब्रश अगर करके सोए हैं मंजन अगर करके सोए हैं और सुबह बासी मुंह जब आप पानी पियेंगे आप सोचेंगे मैं ब्रश करे बिना पानी पी लू मेरे तो मुंह के सारे बैक्टीरिया अंदर चले जाएंगे अरे भाई जितने बैक्टीरिया आपके मुंह में नहीं है उससे ज्यादा आपके गले में है उससे ज्यादा कहीं अंदर आंतों में है बैक्टीरिया से तो हम बने हुए हैं सारे इसीलिए अपने मुंह के जो रात के बैक्टीरिया मंजन करने के बाद भी जो बने उससे घबराइए नहीं आप बस थोड़ा सा पानी पीजिए वो मुंह का जो रात का बासी थूक है वो औषध है वो अल्कोलाइन है वो बहुत खारा है क्षारिय है वो अंदर तक जो जो तेजाब रात को थोड़ा बहुत कहीं बन गया आपके से लेकर के का पार्ट है जिसको आप जटर बोलते हैं जटर के अंग में जो एच बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने को मेल्ट करने के लिए वो सारा का सारा नॉर्मल हो जाएगा रात के बासी थूक से कोई आपको एंटी एसिडिक गोली नहीं लेनी पड़ेगी कैप्सूल नहीं खाना पड़ेगा बेशक किसी को थोड़ा बहुत एसिड सुबह हो तो मैं ये निवेदन करूं सुझाव दूं कि आप सौफ का अर्का 4 चम्मच गाजवान का अर्का 4 चम्मच ले लीजिए ये एक कप गुनगुने पानी में दोनों मिला लेने हैं सुबह खाली पेट उस बासी पानी के बाद में थोड़ी देर बाद इसे पिया जा सकता है बेशक अगर आप बासी पानी ज़्यादा नहीं पी पाते आपको वोमिटिंग जैसी लगती है उल्टी जैसी लगती एक गिलास पी लीजिए एक गिलास उसी में बेशक रख मिला लीजिए कोई दिक्कत नहीं लेकिन मैं ये सुजेस्ट करूँगा कि शुरू में जो सबसे पहला पानी है वो नॉर्मल वाटर होना चाहिए उसमें कुछ भी ना मिलाया जाए ताकि वो एल्कलिटी उसकी पूरी की पूरी स्टमक की लाइनिंग को रिलीफ दे और फिर वो जल्दी से आगे फ्लश हो जाए रुके ना पेट में अगर सुबह के पहले पानी में ही जो आपने दो गिलास चार गिलास पानी पीना है उसी में ही अगर आप कोई तुलसी कोई शहद या ऐसी कोई चीज़ मिला लेंगे तो वो फिर पानी देर से पचेगा वो आगे पेट से आगे फ्लश नहीं होगा उस पर बॉडी उसको पाचन में लग जाएगी पचाने में तो भारीपन होगा उससे उल्टी आ सकती है सादा पानी दो से तीन मिनट में आगे निकल जाता है आपके पेट में रुकेगा नहीं वो इसलिए सुबह का पहला पानी जो आपने दो चार गिलास जितना आपकी हिम्मत है वो पीना है वो आप खाली ताजा पीजिए बिल्कुल कुछ मिलाए बिना बाद में जब आप एक बार थोड़ा शौच हो आए थोड़ा फ्रेश हो जाए थोड़ा बैठ जाए थोड़ा पेट हल्का हो जाए थोड़ा प्राणायाम कर लें उसके बाद आप बेशक थोड़ा आंवला का रस एलोवेरा का रस मिक्स करके और थोड़ा उसमें गुनगुना पानी मिला करके वजन नहीं कम हो रहा तो उसमें एक चम्मच अदरक का रस मिला करके इसी तरह थोड़े दिन इस तरह की रूटीन अगर आप मोटे हैं ये वाली चीज दुबले पतले हैं तो आप थोड़ा मुरब्बा लीजिए बांस का ठंडा होता है बलकारी बहुत कैल्शियम देने वाला होता है अगर आपकी प्रॉपर्टी या बॉडी की जो तासीर है वो ठंडी है या नॉर्मल है बीपी कमज़ोर है कम रहता है शरीर कमज़ोर है तो आप गाजर का मुरब्बा लीजिए फिर इसी तरह अगर आपको सुबह सुबह अंदर पाचन शक्ति कमज़ोर है आपको लगता है मेरे मल के साथ बदबू बहुत आती है या फिर मेरे गैस पास होती है तो उसमें बहुत बदबू है शौचालय जाते समय बहुत बदबू है तो फिर आप दही लीजिए सादा योग प्राणायाम के बाद उससे थोड़ा बैक्टीरिया उसके अंदर जो होते हैं वो आपके अंदर के सारी गंदगी खा जाएंगे थोड़ा बूरा चीनी मिला लें उसमें अथवा तो सेंधा नमक रॉक सॉल्ट जिसको पोटासियम क्लोराइड बोलते हैं वो भी डाल सकते हैं तो बड़ा अच्छा है हालांकि कुछ लोगों का मत है कि दही में नमक मिला दिया तो सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे ऐसा नहीं है अगर ऐसा होता तो फिर दही और छाछ से बनने वाली तकरा रिश्त जो हम आयुर्वेद की औषध बनाते हैं ये भी पाचन शक्ति को मजबूत करती है अंदर के प्रोबायोटिक्स की कमी को दूर करती है हाजमा तेज करती है ये जो हम बनाते हैं ये नमक के बिना ना दिखते इसमें पांच प्रकार के नमक मिलाए जाते हैं उसके बावजूद उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं एक महीने तक तो फिर खूब सारे जब उसमें बैक्टीरिया बन जाते हैं हेल्दी तो फिर वो हम औषध के तौर पर उसको देते हैं ये सब प्रमाण है आप घबराएं नहीं बस मैं ये कहूँगा कि तेज मसाले ना मिलाएं दही में हल्का नमक सेंधा या फिर मीठा बूरा मिला करके देशी खांड मिला करके दही को आप फेंट लीजिए यदि दही आप टुकड़े टुकड़े वाली लेंगे तो गर्मी करेगी अगर आप दही को थोड़ा पानी मिला के फेंट लेंगे तो वो एक तरह से घोल बन जाएगा वो घोल पचने में भी थोड़ा अच्छा है गर्मी भी नहीं करेगा तलख नहीं दिखाएगा बड़ा नरम रहेगा सॉफ्ट रहेगा हालांकि दही में गुड़ मिलाना मना नहीं है लेकिन ताज़ा गुड़ अभी अभी बनाया कुछ दिन कुछ हफ्तों का जिसको ताजा गुड़ बोलते हैं वो ना मिलाए तो अच्छा क्योंकि वो कफकारी होता है भारी होता है वो इतना गुणकारी नहीं होता दही के साथ उसकी इतनी ज्यादा जो योग है वो सही नहीं बैठता पुराना गुड़ मिल जाए एक साल एक सीजन पुराना अथवा तो गुड़ को धूप में रख ले छह सात घंटे उससे जो गुड़ के अंदर की जो अंदर जो उसके शकरा है शर्करा जिसको बोलते हैं शक्कर वो टूट जाएगी कुछ छोटे छोटे कॉम्पोनेट्स में में भी हल्का है और हल्का हो जाता है वो भारी नहीं रहता कफ कारी नहीं रहता कफ और पित्त दोनों का नाश करता है फिर फिर वो गुड़, फिर वो गुड़ दही में भी मिलाया जा सकता ऐसा गुड़ पीस करके करके शक्कर बना करके। ये सारी जानकारियां आपके पास होनी चाहिए मेरे ख्याल से यदि आप स्वास्थ्य को पसंद करते हैं स्वास्थ्य की पाने के लिए या स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध हैं संकल्पबद्ध हैं आप चाहते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे आपके घर परिवार में आप एक दूसरे को परस्पर सहयोग करें हमेशा निरोगी बने रहने में क्योंकि मुझे एक व्यक्ति कमेंट कर रहा था बड़ा प्यारा कमेंट किया उसने कहता कि भगवान भले ही मुझे अपना घर ना दे चलेगा भले ही बहुत अमीर ना बनाए चलेगा लेकिन मुझे स्वस्थ रखे भगवान हमेशा इससे बड़ी दौलत मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैंने अनुभव कर लिया है वो ऐसा कह रहा था कि मैंने अनुभव कर लिया है कि बीमारी में जब व्यक्ति होता है कष्ट में जब होता है उससे बड़ा नर्क कोई नहीं है उससे बड़ी वेदना कोई नहीं है जो लोग दुख पा रहे हैं बीमार हैं उनसे पूछ कर देखिए स्वास्थ्य की कीमत इसलिए मैं ये बातें जो कह रहा हूँ आपके और अपने सबके हित में मैं भी इसे अपना आप भी अपनाएं हम इसी तरह योग आयुर्वेद और अपनी ऋषियों की पावनी संस्कृति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें यही आप सबके लिए मेरी कामना प्रार्थना ईश्वर से आप सब खुश रहें प्रसन्न रहें आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन नमस्कार